गर्मियों का मौसम था। धूप के चलते कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। खासकर दोपहर के समय में तो पूरा गांव ऐसे शांत हो जाता मानो गांव में एक भी इंसान ना रहता हो। सब लोग अपने घरों में या तो टीवी देख रहे होते या फिर खर्राटे मार सो रहे होते। मगर घरों के बच्चों को ना तो टीवी में दिलचस्पी होती ना ही नींद की कोई इच्छा। उन्हें तो बस 3 बजने का इंतजार होता, क्योंकि 3 बजते ही टुनकपुर गांव का रामू आइसक्रीम वाला अपनी साइकिल लेकर गलियों में निकल पड़ता। आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, सबकी पसंदीदार आपके रामू काका की हाथ की बनी आइसक्रीम। ये 3 बज गए, रामू आइसक्रीम वाला आ गया। अरे हाँ हाँ भाई, आराम से। ना जाने रामू के हाथ की बनी आइसक्रीम में ऐसा क्या जादू है कि उसे खाते ही सारे बच्चे खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे आराम से बच्चों, आराम से। अरे सबको मिलेगा। रामू काका अपने सभी प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों को उनकी मनपसंद आइसक्रीम खिलाएंगे। सब बच्चे अपने अपने मम्मी पापा से पैसे लेते और रामू की साइकिल के पास इकट्ठे हो जाते और फिर अपनी अपनी पसंदीदा आइसक्रीम लेकर बड़े मजे से वहाँ खड़े होकर खाते। आइसक्रीम कैसी लगी बच्चों? बहुत अच्छी है काका, आपकी आइसक्रीम के बिना तो छुट्टियाँ छुट्टियाँ नहीं लगती। आपके हाथ की बनी आइसक्रीम खाकर मजा आ जाता है। बच्चों का ये प्यार देख रामू खुशी से गदगद हो जाता। सभी बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे कि तभी रामू की नजर एक बच्चे पर पड़ी। बच्चा गुमसुम सा सबको आइसक्रीम खाता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी थी। रामू समझ गया कि जरूर कुछ बात है। उसने बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहते हो? पहले तो बच्चे ने सर हिला दिया। रामू ने उससे दोबारा पूछा, बेटा तुम कौन हो और इस तरह क्यों खड़े हो? मेरा नाम शंभू है, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है पर मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। इतना कहकर शंभू जाने ही वाला था कि रामू ने उसे रोक लिया। अरे बेटा रुक जाओ, कहाँ चल दिए? पैसे नहीं है तो क्या हो गया? दुनिया में पैसे ही सब कुछ नहीं है। अरे रामू पैसों के लिए आइसक्रीम नहीं बेचता बल्कि बच्चों की खुशी के लिए बेचता है। इतना कहकर रामू ने एक आइसक्रीम अपने डिब्बे से निकाली और बच्चे की ओर बढ़ते हुए बोला, ये लो बेटा और पैसे की चिंता मत करना, तुम रोज आकर मेरे दुकान पर फ्री आइसक्रीम खा सकते हो। ये सुन बच्चों की खुशी सातवें आसमान पर थी। रामू ने अपना वादा निभाया, वो रोज आता और सभी बच्चों के साथ साथ शंभू को भी आइसक्रीम खिलाता। रामू की वजह से शंभू को कभी एहसास नहीं हुआ कि गरीबी के चलते वो आइसक्रीम का स्वाद नहीं ले सकता। कुछ साल ऐसे ही बीत गए, जीवन का पहिया चलता रहा, बच्चों की उम्र बीतती रही और फिर कुछ समय बाद बच्चे बच्चे ना रहे। अब उन्हें पहले की तरह ना ही आइसक्रीम का इंतजार होता ना ही रामू के आने का। और इसी तरह धीरे धीरे कर गांव के सभी बच्चे पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए शहर चले गए। रामू पहले की तरह ही अब आइसक्रीम बेचने के लिए घर से निकलता तो था मगर अब उसके पास आइसक्रीम खाने वाला कोई नहीं था। शहर ने हमारा सब कुछ खा लिया, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी। कल तक जो नन्हे से बच्चे रामू काका करते थे, आज उन्हीं बच्चों को देखने के लिए ये आंखें तरस गई। रामू की आइसक्रीम धरी की धरी रह जाती, उसके पास एक भी ग्राहक नहीं था। रामू की पत्नी ने रामू से कहा, दिन पर दिन तकलीफें बढ़ती ही जा रही है, अब तो घर में अनाज के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, इसी तरह चलता रहा तो हम क्या करेंगे? सीता फिक्र मत करो, जो इंसान मेहनत करना जानता है वह कभी भूखा नहीं मरता, ऊपर वाला उसकी मदद जरूर करता है। एक रोज रामू रोज की तरह साइकिल लिए ग्राहक के इंतजार में खड़ा था कि तभी उसके सामने से एक बड़ी सी कार गुजरी। कार के अंदर एक व्यक्ति बैठा था जिसकी नजर रामू पर पड़ी। उसने अपने ड्राइवर से कार रोकने को कहा और कार से उतरकर रामू की ओर बढ़ने लगा। रामू को खुशी हुई कि चलो पूरे दिन में एक ग्राहक तो आया।
आदमी के आते ही रामू बोला, बताइए साहब, कौन सी आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे? अरे रामू काका, कैसे हो आप? अचानक से व्यक्ति ने बोला, रामू को बड़ी हैरानी हुई, साथ ही उसे आवाज भी कुछ जानी पहचानी लगी। अरे बेटा, तुम मुझे जानते हो क्या? रामू के सवाल पर आदमी बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। काका, मैं शंभू हूँ, वही शंभू जिसे सालों पहले आप फ्री में आइसक्रीम खिलाया करते थे। ये सुनते ही रामू को खुशी और हैरानी दोनों हुई। अरे बेटा शंभू, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। ये चश्मा, ये सूट बूट, कार, लगता है बहुत बड़े आदमी बन गए हो। बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे। आदमी तो आदमी होता है काका, क्या छोटा क्या बड़ा। बाकी मुझे ये देख हैरानी हो रही है कि आप अब तक आइसक्रीम बेच रहे हैं। आज तो आपकी दुकान पर जरा भी भीड़ नहीं। तब तो आप हर वक्त बच्चों से घिरे रहते थे, आज पूरा रास्ता सुनसान है, ऐसा क्यों? अब क्या कहूँ बेटा शंभू, समय के साथ पूरा गांव धीरे धीरे शहर निकल गया। शंभू को ये सुन काफी बुरा लगा। उसने बात बदलते हुए कहा, अच्छा खैर, मैं इतने टाइम बाद आया हूँ, अपने हाथों की आइसक्रीम नहीं खिलाइएगा मुझे? अरे हाँ क्यों नहीं, अभी एक बढ़िया सी तुम्हारी पसंद की चॉकलेट आइसक्रीम निकालता हूँ। और फिर रामू ने आइसक्रीम निकाल कर शंभू की ओर बढ़ाई। शंभू ने जैसे ही आइसक्रीम को टेस्ट किया, वो बोला, अरे वाह क्या बात है काका, अब भी आपकी आइसक्रीम में सालों पुराना वही स्वाद है, मान गए आपको काका। शंभू ने मन में सोचा, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, बचपन में उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया, अब आज मैं कुछ बन गया हूँ तो क्यों ना इनकी अच्छाई, इनकी ईमानदारी का इन्हें कुछ फल दूं। शंभू ने उनकी हालत देखकर उन्हें कुछ पैसे देने का सोचा, मगर जैसे ही शंभू ने पैसे उनकी तरफ बढ़ाए कि रामू काका ने साफ मना कर दिया। वो बोले, अरे नहीं बेटा, ये रामू काका जरूर बूढ़ा हो गया है, मगर लालची और स्वार्थी नहीं, यह आज भी सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत का ही खाता है। लेकिन काका, मैं तो आपके बच्चे जैसा हूँ, आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। बचपन में आपने भी मुझे तो फ्री में कितनी चॉकलेट आइसक्रीम खिलाई है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता। रामू काका की बात सुन शंभू ने मन में सोचा, काका तो इस तरह मानने वाले नहीं है, मुझे उनकी मदद किसी और तरीके से करनी होगी। अगले ही पल शंभू को एक आइडिया आया, वो रामू से बोला, काका शहर में मेरी एक बड़ी सी कंपनी है, हर महीने हम शहर के अलग अलग अनाथ बच्चों को खाना खिलाते हैं, उन्हें कपड़े देते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब से उन अनाथ आश्रम में हमारे खाने के साथ साथ आइसक्रीम भी जाए, क्या आप उन बच्चों के लिए आइसक्रीम बनाएंगे? ये सुन रामू बड़ा हैरान हुआ, वो बोला, अच्छा तो फिर ये बात है, अंदाजा एक महीने में कितनी आइसक्रीम बनानी होगी बेटा? मान लीजिए यही कोई 4 से 5 हजार। क्या 4 से 5 हजार? रामू की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, इतना बड़ा ऑर्डर उसे जीवन में पहली बार मिला था। आप कर तो पाएंगे ना काका? बेटा मेरे चेहरे पर झुटियाँ तो जरूर आ गई है, मगर हाथों में ताकत और जादू अब भी है, तुम बस देखते जाओ मैं और मेरी पत्नी मिलकर किस तरह से यह ऑर्डर पूरा करते हैं। शंभू ने रामू को कुछ पैसे एडवांस में दिए और फिर ठीक एक महीने बाद आने का कहकर चला गया। एक महीने के बाद जब शंभू दोबारा रामू के पास आया, तब तक रामू ने ऑर्डर पूरा कर लिया था। लो बेटा ये तुम्हारी आइसक्रीम, शहर जाकर सभी बच्चों को यह आइसक्रीम और उसके साथ मेरा प्यार देना। शंभू ने अपने ड्राइवर को कहकर डब्बे अपनी कार में रखवाए और फिर रामू काका को एक बड़ी रकम देते हुए बोला, ये लीजिए काका, ये रही आपकी मेहनत का फल। अरे बेटा ये तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ काका, अब से मैं आपसे हर महीने आइसक्रीम लेता रहूँगा, और हाँ वो भी अब से आपको 5 नहीं बल्कि 10 हजार आइसक्रीम बनानी है। क्या 10 हजार? रामू की पत्नी तो ये सुनते ही जैसे बेहोश हो पड़ी। तुम चिंता मत करो शंभू बेटा, महीने की आखिरी तारीख से पहले 10 हजार आइसक्रीम तुम्हें तैयार मिलेंगे। शंभू ने रामू काका के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वहाँ से चला गया। रामू अपनी पत्नी से बोला, देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, मेहनती लोग कभी भूखे नहीं मरते, भगवान किसी न किसी रूप में उनकी मदद जरूर करते हैं। तो देखा आपने किस तरह सालों पहले की गई एक अच्छी नेकी ने
रामू की किस्मत बदल कर रख दी। इसलिए हमेशा सबके साथ नेकी करें, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा।